बताइए कहाँ है दुकान? ये हमारी लैया मंडी हॉस्पिटल गेट के सामने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है। और यहाँ मार्केट, हाँ। और क्या नाम है शॉप का आपके? समीरा बैंगल। रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी कुछ कुछ बेहतर हैं आप सबकी दुआओं से। आप सब ने इतनी अच्छी से मेरे लिए अल्लाह पाक से दुआएं की, जिसका तहे दिल से शुक्रिया। और ज़िया जो है पीछे बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस ना छूटे दुनिया का सारा काम छूट जाए। और आजकल तो दुनिया के हर कोने में बिग बॉस बहुत शौक के साथ देखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर, यानी जो बिग बॉस में आए हुए हैं, छोटे से हैं, छोटे कद के, अबू कह के पुकारे जाते हैं, तो उन्हें लोग ज़्यादा शायद पसंद कर रहे हैं। हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ज़िया की ज़बानी सुन रहे होते हैं या बगल में कानों में कुछ आवाज़ पड़ जाती है तो देख लेते हैं। तो ऐसा है, जाना है मार्केट, सुबह से जो है काम में लगे हुए थे, बहुत सारे काम निपटा लिए हैं, लेकिन अभी दोपहर का जो लंच है वो हमने जो है किया नहीं, भी नाश्ता भी नहीं किया है। और 11 बज रहे हैं, अम्मी को कॉल किया था तो अम्मी जो है चूड़ी वगैरह ले रही हैं, क्योंकि भाई उनकी बहन की बेटी की शादी है, तो जाहिर सी बात है वो भी तैयारियां शायरियां करेंगी। तो उन्होंने हमसे कहा तुम रिक्शा लेकर इधर आ जाओ, फिर हम लोग साथ में जो है मार्केट की तरफ निकल चलेंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज जो है हम आपको रेसिपी देंगे पनीर के पराठे की, जो सुबह हमने नाश्ते में बनाया था। यार विंटर से स्टार्ट हो गए हैं, पराठे शराठे तो चलते हैं, गर्मी में कौन बंदा खा पाता है पराठे वगैरह? यही तो सीजन है यार पराठे खाने का। तो आलू का पराठा शेयर कर दिया है, पनीर का पराठा भी शेयर कर देंगे अभी इसी ब्लॉग में। उसके बाद आपके साथ मूली का पराठा शेयर करेंगे, गोभी का भी पराठा हमने शेयर कर दिया है। कोई पराठे की रेसिपी छोड़ेंगे नहीं, आप सभी पराठे शराठे खाओ, सेहत बनाओ, देखा जाएगा जिंदगी 4 दिन की है और क्या जो है डाइट वगैरह करना। और हम तो चाहे जितना भी खा लें, आप घी में भी चुबोड़ के निकाल दीजिए ना, सेहत मेरी ऐसी की ही ऐसी रहनी और कमज़ोर हो जानी है। तो ऐसा है, खैर बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं हम मार्केट में, ठीक है? और वरना फिर बातें हो जाएंगी फिर, क्योंकि भैया लौट करके आ करके ना हमें लंच भी बनाना है। और चैनल पर अगर आज फर्स्ट टाइम आप लोगों ने विजिट किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, फटाफट से जो है नाश्ता करते हैं। पुशो रानी हमारी बैठी हुई है, नाश्ता मेरा रखा हुआ है, बात करते करते नाश्ता जो है ठंडा हो गया। इससे पहले और ज़्यादा ये ठंडा हो जाए, बदमज़ा हो जाए, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे जो है बात होती। और यार एक बहुत ज़रूरी बात, देखिए अभी याद आ गई ये बात, ये ज़रूरी कि कल रात में जो है हमारे यहाँ आया था अर्थक्वेक यानी भूकंप। अब आप बताओ यार, रात में नींद नहीं आई, डर लग रही थी, पहले तो हमने सोचा कि चक्कर आ रहा है, फिर सोचा कि क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, कोई भूत प्रेत तो नहीं कमरे में घुस आया है जो हमको हिला दे रहा है। तो बाद में एहसास हुआ नहीं, ये तो भूकंप है, भूकंप। अल्लाह पाक भैया इस तरह की कुदरती जो कहर होता है सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल तो बहुत जगह पर जो है भूकंप आया है, नेपाल में आया, दिल्ली में आया, हर जगह जो है, कई जगह पर यूपी के अंदर इसके झटके जो है शदीद वाले, शदीद तरीके से तो नहीं, लेकिन यह है कि महसूस हुए, आदमी जो है खौफजदा हो गया। और जिन लोगों को एंजाइटी होती, हम जैसे लोगों को सोच सोच कर यार डर लग रही थी बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी, बहुत ज़्यादा यार, और भूकंप से तो हमको बहुत डर लगती है। खैर अल्लाह पाक जो है सबको हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, जल्दी से मार्केट चलना, बहुत सारे काम करने, सारे कपड़े वगैरह भी पैक करने। हम सारी वीडियो आपके साथ जो है वहाँ पहुँचेंगे शादी में ना, रजेगे का भी वीडियो आपके साथ शेयर करें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको गांव की शादी का। मतलब जब हम जाएंगे, जो रस्में होंगी और जो रस्में अदा की जाएंगी, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऑल पर रखिएगा, ताकि मेरी मज़ेदार सी जो इंटरेस्टिंग इंजॉयबल वाली वीडियोज़ आने वाली हैं, आप उनका जो आप उनको अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं और आपसे मार्केट में मुलाकात होती है।
तो जनाब फटाफट से नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम निकल आए मार्केट के लिए। और इस वक्त मार्केट में बहुत भीड़ है क्योंकि शादियों का चल रहा है सीज़न, बहुत ज़बरदस्त था। जनाब हम बैठ गए हैं अपने फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे पे, रिक्शा कोई सा भी हो, जो इंसान चलाता है वो भी, और जो ये बैटरी से चलाया जाता है ये भी इंसान ही चलाते हैं लेकिन ये बैटरी से चलता है। तो यहाँ पर जो है बस अब मार्केट पहुँच रहे हैं और देखो अम्मी मार्केट में किस जगह पे हमसे मिलती हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं फिर। अल्लाह का शुक्र था ठीक 10 मिनट के बाद अम्मी मिल गई और हमें बहुत डर लग रहा था, इतनी धूप है और अगर अम्मी ना मिली मार्केट में तो मेरी शॉपिंग फिर जो है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि शॉपिंग शादी की शॉपिंग करने के लिए जो है अम्मी का होना बहुत ज़रूरी था। हमें इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं आती, तो अम्मी कहने लगी कि चलो हम जहाँ पर थे अपनी फ्रेंड के पास तुमको जो है वहाँ ले चलते हैं, अगर तुम्हें कुछ चूड़ियाँ पसंद आती हैं तो हम उसकी शॉप से ले लेना। तो हम वहीं पर जा रहे हैं शॉप पर। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो बनाती हुई तुम चली आओ बस वीडियो बना रहे हैं आपकी दुकान का जो है प्रमोशन भी कर दे रहे हैं। देखिए भाई ये जो है, बताइए कहाँ है दुकान? ये हमारी लैया मंडी हॉस्पिटल गेट के सामने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गेट के सामने है। और यहाँ मार्केट, हाँ, और क्या नाम है शॉप का आपके? समीरा बैंगल। तो समीरा बैंगल से आप आइए, ज्यादा से ज्यादा सस्ती चूड़ियाँ पाइए क्योंकि वेडिंग का सीजन चल रहा है और हर किसी को जो है जरूरत है चूड़ियों की, है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको हर तरह की चूड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी। ये देखिए इनकी शॉप है बहुत अच्छी सी और ये अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। आपके इयर रिंग्स तो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये सदफ क्यों भाग गई? सदफ वीडियो बना रही की मर चुकी है। ये आपका छोटा वाला भैया है ना? सदफ है, सेल्फी नहीं ले रहे हैं, ये सदफ है शबनम की बेटी। ये तो इन्होंने राजा की शादी में बहुत मजे के गाने गाए, मजा आ गया था। आज भी सब लोग याद करते हैं, इतना जबरदस्त गाना गाती हैं कुछ हद नहीं। राजा की शादी में तो बहुत मजा आया था। हाँ राजा यानी मेरे बेटे की बात हो रही है, बहुत मजा आया था। तुम्हें मजा आया था? हाँ बहुत मजा आया था। आप जिया की शादी करिए। जिया की शादी अभी नहीं करेंगे। क्यों? अभी घर बना लेने दो, घर हो जाए, है कि नहीं? सही बात, घर की नहीं, पहले घर रहने का ठिकाना हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग बैठ गए हैं अपने अपनी फेवरेट सवारी पे, रिक्शे पे, और अब आपसे तो चूड़ियां जो है हमने ले ली थी, अम्मी को लेनी थी अभी क्योंकि हम पहले कपड़े खरीदेंगे उसके बाद फिर मैचिंग की चूड़ियां लेंगे, तो पहले कपड़े लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है सूट की दुकान पर आने के बाद जो है सूट पसंद किया और लिया, तो कौन सा लिया है ये हम आपको घर पर चल कर के अपनी जो शॉपिंग है वो जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का कपड़ा हम लोग चाह रहे थे या खाला मेरी जिस तरह का पहनती हैं तो उस तरह का मिल गया है, और उन्हें कॉटन के दुपट्टे ही वाले सूट पसंद हैं ना कि शिफॉन वाले। तो फिर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जिस तरह से चाह रहे थे उस तरह से हम लोगों को सूट जो है मिल गए।
कपड़े वगैरह ले रहे थे, तो यहाँ पर एक भैया नज़र आए जो मोटरसाइकिल पे थे अपने बच्चों के साथ, और आप इनका पैर देख रहे होंगे, और इनके इस पैर की कंडीशन देख करके मेरी आँखों में जो है ढेरों नमी आ गई। और अल्लाह पाक जो है जिसे जिस हाल में रखते हैं उसे उस हाल में जीना होता है, तो अल्लाह पाक का हमें हर हाल में जो है शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे हाथ नाक मुंह पांव बिल्कुल सही सलामत रखे हैं। और आगे भी जो है अल्लाह से यही दुआ है कि जो है हाथ पांव सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। तो ये भैया की कंडीशन देख के हमें बहुत ज़्यादा जो है अफसोस हुआ। कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं जो जिस्म में लग जाती हैं तो फिर जिस्म का हाल जो होता है वो बहुत ही बुरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मरियम के अब्बा, मरियम की अम्मा यानी मेरी सबसे छोटी बहन और उनके शौहर जो है बाज़ार मिल गए थे, और ऐसा हम लोगों का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग साथ में मार्केट करेंगे, बस ये कोइंसिडेंट है यानी महज इत्तेफाक जिसे बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को यहाँ पर देख करके और इन लोगों की शॉपिंग। तो बस सबकी जो है ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने थोड़ी देर जो है इन लोगों की हेल्प की कि इन्हें क्या लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग क्रॉकरी की दुकान पर आ गए थे। तो यहाँ पर जो है आए तो जैसे लग रहा था कि आज सिर्फ सबसे मिलने का दिन है। पहले जो है बहन मिली, फिर उसके बाद जो है मोहल्ले से हमारे पड़ोसी हैं जो खाला, और पड़ोसी जो होते हैं वो हमारे रिश्तेदारों से भी जो है ख़ास होते हैं, और पड़ोसी से मोहब्बत करना हमारे नबी की सुन्नत है। तो यहाँ पर खाला मिल गई थी बिल्कुल हमारे घर के सामने, मतलब पीछे पीछे ही इनका घर है, हमारी जो सड़क दिखती है इसके पीछे इनका घर है। तो काफ़ी मतलब अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, आना जाना है, तो उन्हें भी जो है कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, और हमें तो शादी में देने के लिए लेना था। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है, सबको कुछ ना कुछ लेना रहता है। और इस शॉप पे बैठे बैठे हम पसीने पसीने हो गए क्योंकि अब बाज़ार में हम बहुत देर से थे, और इसके बाद जो है मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि हम मार्केट करते, क्योंकि हम एक बीमार शख्स हैं और हम इतना ही हमने आज शॉपिंग कर ली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिनर सेट पसंद कर लिया था और भैया से कहा जो है पैक कर दीजिएगा, और जितनी भी हमने शॉपिंग की है आपको घर पर चलकर इसी ब्लॉग में हम जो है शेयर कर देंगे। फिर अम्मी जो है, अम्मी को अपनी फैंसी चप्पलें लेनी थी और बहुत सारा सामान लेना था, तो हमने अम्मी से कहा आज स्किप करें क्योंकि 1:30 बज रहे हैं और अभी नमाज भी ज़ोहर की पढ़नी है और अभी कुछ बनाया नहीं है तो घर पर चलना है। तो अम्मी को मेरी बात समझ में आ गई, हमने कहा एक दिन हम लोग और आएंगे और उसके बाद जो है एक चक्कर बाज़ार का अभी और लगना है। तो अब क्योंकि अभी हमने दुपट्टे जो है लेने हैं उन्हें ड्राई करने के लिए देना है, तो यहाँ पर जो है खाला ने अपना सामान ले लिया था, और अम्मी और खाला अपनी अपनी जो ज़िंदगी की जिस्मानी कैफियत है यानी बीमारी चल रही है उसके बारे में एक दूसरे को बता रही हैं कि मतलब उन्हें भी प्रॉब्लम रहती है और अम्मी को भी। तो यहाँ पर जो है हमने भैया से कहा इसको अच्छे से पैक करिएगा क्योंकि ये बोन चाइना का सेट था जो काफ़ी जो है नाजुक होता है, ज़रा सा भी ठेस लगी तो बस सब चूर चूर। तो यहाँ पर हमने अपने के लिए छोटी सी जो है सफ़र में जाने के लिए वाटर बॉटल ले ली थी, और जैसे ही घर आए तो ज़िया बेचैन हो रहे थे सामान देखने के लिए। तो ज़िया से तो गाइस घर आ गए हैं सामान लेकर के, और इस कदर थक गए हैं लंच तो हम बना के नहीं गए थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही कि हम लंच बनाएं। तो ज़िया बेचैन है अपने खाला का सामान देखने के लिए कि अम्मी मेरी खाला को देने के लिए कौन सा डिनर सेट लेकर के आई है। तो हमने कहा आप खोल लो क्योंकि उसमें जो है जो भैया थे दुकान वाले, उन्होंने जब जाना कि मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर ये सामान जाना है, तो उन्होंने अच्छे से टेप लगा करके उसको पैक कर दिया। अब जब पैक कर दिया तो वो खुलेगा कैसे? अगर ये खोलते हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें फिर से उसी तरह से सेलो टेप लगाना पड़ेगा। तो अब ज़िया जो है मशक्क़त करें, मेरे बस की तो नहीं, और वैसे भी हम भैया मेरे बस की तो नहीं, और देखिए मच्छरों ने कितना काटा है, पूरा चेहरा बर्बाद कर दिया। इन्हें पता था कि हम शादी में जाने वाले हैं, चलो आओ चलते हैं और जो है चेहरा बर्बाद करते हैं। ये देखिए पूरे मत्थे पर भी सब ऐसे ऐसे दाने निकले, इधर भी पूरा निकला हुआ है बहुत ज़्यादा। भैया पानी मोटर चलाया था, प्यास भी लगी बहुत तेज़। तो ये देखिए ज़िया ने उद्घाटन कर दिया, हम अपने लिए छोटी सी पानी की बॉटल लेकर आए हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी।
वैसे भी मुझे छुटके सामान बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे ना और मेले वगैरह जाते थे तो छोटी सी बोतल, छोटी सी कढ़ाई, छोटा सा कुकर, छोटा सा चूल्हा सब लेते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो अभी हम आपको डिनर सेट कैसे दिखाएंगे, अगर ज़िया खोलेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है, कि हमने कौन सा लिया है। वैसे तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कौन सा लगा लिया है ना, पता है। सूट यार हमें भी एक बहुत अच्छा लगा तो हमने अपने लिए भी ले लिया है, खाला का लिया है, खालू का लिया है। बस इतनी सारी शॉपिंग की है और घर में जो है थोड़ा सा किचन में वही प्याज नहीं लहसुन अदरक वगैरह ले लिया था, तो सारी चीज़ें ले आए हैं। अभी मेरा दुपट्टा रह गया है, अभी उसे जो है कलर कराना है, क्योंकि अभी शर्ट जो है हम लेकर आए थे जो रखी हुई है 2-3 महीने से, तो उसकी जो है पैंट और शलवारें दी हैं सिलने के लिए, तो वो स्टिच होके आ जाए तो फिर उसको लेकर के मार्केट जाएंगे और फिर उन्हें जो है टाई कराएंगे। थक गए हैं बिल्कुल भी, बैठने की हिम्मत नहीं। रिजिया खोलो इसको ज़रा सा डिनर सेट को, तो अपने व्यूवर्स को भी दिखा दें और आप भी देख लो। फिर उसके बाद एक टेप लाना है, क्योंकि एक पन्नी भी लानी है ना इसके ऊपर से पैक करने के लिए, रैप करने के लिए गिफ्ट को। तो चलिए अभी जिया से खोलने जा रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा हमने डिनर सेट लिया है। तो हमने कहा ज़िया तुम भी देख लो और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं व्यूवर्स हैं वो भी देख लें। तो वैसे तो जो है दुकान वाले भैया ने जहाँ से क्रॉकरी ली हमने, तो दुकान वाले भैया ने बहुत अच्छे से जो है सेलो टेप लगा करके पैक कर दिया था, और हमें यहाँ पर ज़िया पे आ रहा था बहुत सारा प्यार। माँ को तो अक्सर अपने जितने भी बच्चे हों, 2 हों 4 हों 6 हों 8 हों 10 हों अपने बच्चों पर जो है बेइंतहा प्यार आता ही रहता है। और माँ तो सिर्फ अपने बच्चों को ही देखकर जीती है और उन्हीं के लिए मरती है और उन्हीं के लिए सारी ज़िंदगी के समझौते करती है और उनके ही लिए झुक जाती है जहाँ झुकना पड़ जाए। तो यहाँ पर देखिए यही जो है हमने डिनर सेट लिया है जो बोन चाइना का है और बहुत ही जो है ज़बरदस्त था। तो ये राइस प्लेट है और साथ में जो है खाने की प्लेट्स हैं बड़ी वाली, फिर छोटी वाली हैं, बाउल्स हैं जो सर्व किया जाता है, छोटी वाली कटोरियां हैं, छोटी वाली बाउल हैं जिसमें आप खीर वगैरह जो है सेवैयाँ वगैरह सर्व कर सकते हैं। तो भैया ने जो है ये दिया है और साथ में हमने अपने लिए एक सफ़र में जाने के लिए एक छुटकी सी जो है वाटर बॉटल भी ली है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमने ज़िया से कहा ये बहुत नाजुक होता है, बहुत एहतियात से आप देखो और एहतियात से इसको सेट करो, आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फटाफट से जो कपड़े हमने लिए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अभी जो है पूरी शॉपिंग नहीं हुई है यार, सबर रखो सबर, फिर जाएंगे फिर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अभी काजल लाना है, फाउंडेशन लाना है, मेहंदी लानी है, चूड़ी लानी है, मम्मी की स्लीपर्स लानी है, बहुत सारी चीज़ें लानी है, पार्लर भी जाना है। तो यकीन मानिए ननिहाल की शादी हो चाहे ददिहाल की, घर की शादी जैसी ही जैसे माहौल होता है। और जब मेरे राजा की शादी थी यानी मेरे बड़े बेटे की, तो जो है ये लोग भी इसी तरह से आए थे और मेरे लिए जो है क्या कहते हैं इसी तरह से उन्होंने प्यार लुटाया था। तो यार फिर प्यार का बदला सिर्फ प्यार ही होता है। तो यहाँ पर ये खाला के लिए हमने सूट लिया था, ये अम्मी ने अपनी पसंद से लिया, हमें तो पिंक ही पसंद आता है लेकिन अम्मी कहने लगी तुम बहुत पिंक लेती हो। तो यहाँ पर जो है हमने कहा चलो अच्छा अम्मी की भी पसंद को जो है आगे रखते हैं। तो ज़िया को पसंद आ गया था, तो सूट का कपड़ा जो है बहुत ही अच्छा था और बहुत मुलायम था, यानी कि मेरी खाला पहन नहीं पाती हैं, और उसी जगह पर हमको एक सूट अपने लिए भी पसंद आ गया। तो इस तरह का कलर हमने पहना भी नहीं था और इसका जो वर्क था गले पे वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसकी शलवार है और जो ये ब्लू और लाइट ग्रीन है तो वो उसका जो है शर्ट का कपड़ा यानी कुर्ते का, और ये दुपट्टा है। तो ये सूट कैसा लगा बताइएगा। तो ये 2 सूट लिए थे और ज़िया को बहुत पसंद आया, कहने लगा हाँ अम्मा अच्छा लिया है। और साथ में जो है खालू का अपने कुर्ता पैजामा का भी कपड़ा हमने लिया था, तो जिस तरह का कलर हम चाह रहे थे तो वो हमें जो है इजली मिल गया। तो ये सारी चीज़ें करते करते बज गया है 2 और हमें जो है 10 मिनट में मेथी की खिचड़ी बनानी है, ज़िया ने हमें टास्क दिया है। तो ज़िया ने कहा हम चटनी बनाते हैं और आप बनाइए मेथी की खिचड़ी। तो ज़िया जो है फटाफट से चटनी बना रहे हैं और हम बना रहे हैं खिचड़ी। तो चलिए फटाफट से आपको मेथी की खिचड़ी की रेसिपी भी दे देते हैं। तो जनाब यहाँ पर ज़िया ने कहा कि अम्मा मेरा बहुत दिल कर रहा है मेथी की खिचड़ी खाने का, और यार मज़ा आ जाता है सच में मेथी की खिचड़ी विंटर्स में, मतलब क्या बात है, हरी हरी धनिया की चटनी, टमाटर की और मेथी की खिचड़ी, तो ये सब तो विंटर्स की जान होती है, मेथी की खिचड़ी, मटर पुलाव, तहरी। तो
तो हमने कहा चलो मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पापा को भी, तो हमने कहा चलो मेथी की खिचड़ी बना लेते हैं। और जिया ने कहा कि हम जो है चटनी पीस लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है जैसे ऑयल हो गया, हमने इसमें जो है 2 चम्मच भर के मेथी डाल दी है, 2 हरी मिर्चें डाल दिए हैं, और उसके बाद चावल जो है वॉश करके रखा था वो डाल दिया है, हसबे जायका नमक, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है चावल में पानी डाल देना है, और उसके बाद सिर्फ 2 सीटी लेनी है और आपकी मेथी की ज़बरदस्त सी खिचड़ी तैयार है, जो बहुत ही मज़े की होती है। और ये देखिए मेरी मेथी खिचड़ी तैयार है, साथ में टमाटर धनिया की चटनी है। तो हमने सोचा था इसी ब्लॉग में आपको जो है पनीर के पराठे की रेसिपी दे देंगे, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पनीर की पराठे की रेसिपी लाजमी जो है देंगे। तो चलिए फिर हम करते हैं अपना लंच और ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।